नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें अपने चैनल राजस्थान गुरुजी को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि शिक्षा विभाग और राजस्थान से जुड़ी हुई हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मेरा जवाब हो गया, 21वें पेपर आउट हो गया, 21वें पेपर आउट हुआ। आज क्या भाग क्यों रहे हो? 2021 में पेपर आउट हुआ, भाग क्यों रहे हो? आपने तो डिबेट मांगी थी ना, आपको जवाब मैं दे रहा हूँ ना आपको। अब आप सुनिए, पेपर आउट का बता तो सही। अरे नीट का पेपर 21 में आउट हुआ, 23 में आ गए हो, क्या करना चाहते हो? माननीय मंत्री जी, ऊट ऊट जलूल बातें क्या करके आप भागना चाहते हो? डिपार्टमेंट ने काम किया, कमाल कर रहे हो। माननीय सदस्य, कमाल कर रहे हो। माननीय सदस्य, अपन चर्चा नहीं चाहते, चर्चा समाप्त की गई सदन की। एडवर्टाइजमेंट निकालोगे उस दिन डेट ऑफ लिख दोगे, इस तारीख को अगर ओवरइज हो गया तो भर्ती नहीं हो पाएगा, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? मरने के अलावा कोई रास्ता है क्या उसके पास? हम सब लोग जो इस सदन में बैठे हैं, मेरा विनम्र प्रार्थना है, विषय की गंभीरता को समझ करके चर्चा करो, केवल पक्ष और विपक्ष बनने की कोशिश मत करो, व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न करो। किस तरह से सुधारे? आज की तारीख में इतनी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो गई, क्या परीक्षा का पैटर्न नहीं बदल सकते? क्या कोई जरूरी है कि सारे राजस्थान में एक ही प्रश्न पत्र हो? हर जिले का भी प्रश्न पत्र अलग हो सकता है, हर तहसील का प्रश्न पत्र अलग हो सकता है, और वहीं पर उसकी व्यवस्था हो करके चाहती है। हमारे यहाँ तो दुर्भाग्य ही है कि मैंने उस समय भी कहा था आपको कि ये जो शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुआ, ये डबल लॉक में था ना, डबल लॉक से पेपर निकल गया और डबल लॉक की चाबी वाले को इसको दोषी नहीं बनाया, तो फिर कैसे चलेगा? फिर कैसे चलेगा ये? फिर ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? कौन सुधारेगा इसको? बहुत ही कोई बोलने की इच्छा ही नहीं होती है। ईमानदारी से ये है, अगर कहीं बैठे हैं तो एक छोटी कमेटी आप बनाओ और बना करके इस सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, और कोई नहीं करे तो विधानसभा के लोग माथा तो पचाएं कि कम से कम उन बच्चों के भविष्य को कैसे ठीक किया जा सकता है और परीक्षा को सिस्टम तो कैसे चेंज किया जा सकता है। अभी भी आपने पकड़ा ना, कितनी शर्म आती है, उन सब लोगों की जमानत हो गई जिनको आपने पकड़ा ना दिखाने के लिए, उसकी सबकी जमानत हो गई, और जो डाकू है ना वो अभी भी भाग रहे हैं। और उसकी पुनः आयोजन जो है 11, 12, 21 को दो चरणों में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। जहाँ जहाँ पर भी जब जब भी पेपर लीक हुआ है, परीक्षा रद्द कर दी गई, तो अविलंब उसको जल्दी से जल्दी जो जा करके जो है उसको परीक्षा की गई है। जो आपने बताया ना कि सब वो कब ये कब करोगे आप, ये जो अभी पेपर लीक हुआ है उसकी परीक्षा, ये पेपर लीक हुआ आपका 24/12/22 को, 24/12/22 को, और परीक्षा कब होगी? 29 जनवरी 2023 को परीक्षा हो रही है। अब इससे जल्दी आप क्या चाहते हो? आपकी सब बातों का मैंने जवाब दिया है, मेहरबानी करके इसको दलीय वो हथकंडा मत बनाइए। बच्चों का भविष्य है, इस बच्चों का भविष्य को जैसा अभी स्पीकर साहब ने कहा कि सब सबको बैठ करके दोबारा से सोचना चाहिए कि सारा सिस्टम को किस प्रकार से बदला जाए ताकि इस बीमारी से जो है किसी प्रकार से पीछा छूटे, वो उस बात पर विचार करिए। मेहरबानी करो और मेहरबानी करके इसको पॉलिटिकलाइज मत कहिए। जय हिंद, धन्यवाद। मेहरबानी तो आप करो कि उत्तर प्रदेश में पेपर आउट हुआ, इसलिए आपका अधिकार है कि राजस्थान में भी हो, ये मेहरबानी आप करो। और दूसरा में एक, जब आपने कानून पास अप्रैल में कर दिया तो इसकी डे टू डे हियरिंग में डाल करके फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं डालते हो? 10-20 लोगों को भी अगर समय पर सजा हो जाएगी तो थोड़ा बहुत उस पर रोक लगेगी, जबकि आपने इसको फास्ट ट्रैक में डाल करके डे टू डे हियरिंग करी है। और अभी आपने जो केस बनाया उसमें कितने लोगों की जमानत हो गई, इसका मतलब केस ठीक ढंग से नहीं बना कि वो जमानत पर बाहर आ गए। और ये जो बार बार है ना, जिस समय जैसी परिस्थिति होती है वैसा कानून बनता है। आपने ये कानून बनाया तो कोई मेहरबानी करके बनाएगा? समय की आवश्यकता थी इसलिए कानून बनेगा, और भी आगे कोई अगर ऐसी समस्या आएगी तो और कानून बनेंगे। तो कानून बना करके कोई मेहरबानी नहीं की उन बच्चों पर। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस राजस्थान में
इस सिस्टम को बदल करके उस बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करिए। इसके बारे में पक्ष और विपक्ष मत बनिए, तर्क के आधार पर पक्ष और विपक्ष बनकर के उन बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। मेरी जो मंशा है वो ये है, मैंने अध्यक्ष जी आपसे इसीलिए निवेदन किया कि कोई कमेटी आप अपने लेवल पर बनाकर जिनको भी एक्सपर्ट को बुलाना है इस परीक्षा के सिस्टम में कहाँ कहाँ दोष है, इसको कैसे बदला जा सकता है ताकि बच्चे का भविष्य हो। और जो अपराधी पकड़ में आता है तो जब तक इसका, अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये तो उदयपुर के SP ने पकड़ लिया इसलिए केस हो गया, नहीं तो ये परीक्षा हो जाती तो वो बच्चे तो पास हो जाते जिन्होंने पैसा दे करके पेपर ले लिया। और मैं आज आपको फिर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, पिछले 10 सालों में जो भी परीक्षाएं हुई है उन लोगों को एक बार दोबारा स्क्रीनिंग करके देख लो कि वास्तव में किस तरह से आए हैं और कैसे नौकरी में लगे हैं। इसमें आपको बहुत बड़ा ये कोचिंग सेंटरों का जो जाल है ना, ये इसमें से निकलेगा। तब आप इसको मारोगे ना, तब जाकर के इसे रुकेगा। केवल तर्क वितर्क करके और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से इन बच्चों की समस्या का हल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चों की समस्या का हल हो और अपराधी को कठोर से कठोर दंड मिले। और ये जो आप केस अभी बना है इसको फास्ट ट्रैक में डाल करके 2-3 महीने में फैसला करके लटकाइए, तब तो जाकर के कुछ करने की स्थिति बनेगी। बेनीवाल साहब ने लोकसभा में सवाल पूछा था, हनुमान जी बेनीवाल साहब ने, पिछले दस वर्षों में CBI से जांच करवाने की सिफारिश कितने मुकदमे में की गई। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो PMO में मिनिस्टर हैं, उन्होंने जवाब दिया कि 12 केस CBI को भेजे गए थे। राजस्थान के बाबत बात है, 12 केस CBI को भेजे गए थे, उसमें से 10 केस CBI ने दर्ज किए, 2 को तो दर्ज किया ही नहीं, और उनमें 7 में क्लोजर रिपोर्ट दे दी। आउट ऑफ 10 7 में क्लोजर रिपोर्ट दे दी, और बाकी जो 2 बचे उसमें 1 को तो दोष मुक्त कर दिया, और 2 मामले अभी भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं। तो ये पेपर लीक के जो प्रकरण हुए हैं इनको अपन पुराने समय से भी देखें तो 2014 से लेकर के 2018 तक कुल 10 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक सामने आए और उसमें कुल मिलाकर के 19 FIR दर्ज हुई। पूर्ववर्ती सरकार के प्रकरणों में 241 मुलजिम, आपने भी 241 मुलजिम गिरफ्तार किए, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल मिलाकर के 10 प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ और उसमें 15 प्रकरण जो है वो दर्ज हुए और उसमें 281 ही अपराधियों को दर्ज किया गया, गिरफ्तार किया गया। आपकी सरकार आपको ध्यान होगा पिछले साल ही है सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 नया एक्ट बनाया गया, विधानसभा के पास किया गया, अपराध रोकने के लिए था। मंशा क्या थी, क्यों बनाया, लंबे चौड़े डिस्कशंस के बाद में जो है ये बिल पास हुआ। तो कुल मिलाकर सब माननीय सदस्यों की इच्छा यही थी कि अपराध किसी प्रकार से रोका जाए और उसमें नए प्रोविजंस जोड़े गए जो 1992 में जो एक्ट बना था और इस एक्ट में इसको कठोर बनाया गया। कठोर इसलिए बनाया गया कि किसी प्रकार से ये अपराध रुके। नए एक्ट में, नवीन एक्ट में जो ऐसा व्यक्ति जो न तो परीक्षा के संचालन में लगा हुआ हो और न ही वो परीक्षार्थी हो तो उसका परीक्षा केंद्र में प्रवेश प्रतिबंध निषेध कर दिया गया। ये पहले प्रोविजन नहीं था, ये इस बार डाला गया। नवीन एक्ट के तहत में जो है परीक्षा केंद्र के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई स्थान उपयोग में नहीं लिया जाएगा, ये भी डाला गया। ये भी अपराध रोकने के लिए एक कदम था। नवीन एक्ट दो प्रबंधन में संस्था का आपराधिक दायित्व निर्धारित किया गया और जबकि पुराना एक्ट के नंबर 27 में 1992 के संबंध में ये मौन था, ये उस वक्त नहीं था प्रोविजन, ये भी डाला गया। मतलब नए नए प्रोविजन इसलिए डाले गए कि किसी प्रकार से अपराध ये रुके।
आपकी सरकार के टाइम पे भी जो पेपर लीक हुए उसमें न तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अपराधी तो पकड़े गए लेकिन जिस गंभीरता के साथ सरकार को काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया आपने, और न ही इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कदम आपने उठाए। हमारी सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 को पारित किया जिसमें पेपर लीक होने के से संबंधित षड्यंत्र करने और प्रयत्न करने तक को अपराधी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। हमारी सरकार ने इस कानून के तहत पेपर लीक से जुड़े अपराधियों को के लिए अधिकतम सजा 10 वर्ष तक की सजा थी, जबकि आपके द्वारा जो 1992 में एक्ट बनाया गया था उसमें तो कई तो वेलेबल ऑफेंस थे, 3 साल तक की सजाएं थी, हमने सीधी 10 साल की सजा दी। और 10 साल के सजा के साथ साथ उसका सजा के दर्शती इनसे, और उसके अलावा जो है उसमें जुर्माना अलग ठोका गया करोड़ों रुपये का। नए कानून में पेपर लीक के अपराध से निर्मित संपत्ति की जब्ती का भी कानून रखा गया, कुर्की का भी कानून रखा गया, और इन परीक्षा के साथ साथ पूरे जो संपूर्ण व्यय जो तभी हुआ उसका वसूली का भी काम किया गया। इस कानून के प्रभावी उपयोग के लिए 14/3/22 को एसओजी में, जैसा आपने बताया कि नकल पहले नकल विरोधी कोई भी कानून नहीं था, पेपर लीक का कानून था 2012 में, लेकिन नकल लीक का कोई कानून नहीं था। लेकिन पहली बार 14/3/22 को एसओजी में नकल विरोधी सेल का गठन किया गया। पुराना एक्ट जो था उसमें अधिकतर मामले मैंने बताया जैसे जो कि वेलेबल ऑफेंसेस थे, हमने इनमें हर अपराध को जो है वो नॉन कॉग्निजेबल बनाया, सबको नॉन वेलेबल बनाया। नया एक्ट ये हिस्टोरिकल एक्ट है, कायदे से देखा जाए तो हिस्टोरिकल एक्ट है। देश के किसी भी राज्य में इतना कठोर कानून पेपर लीक के मामले में और नकल के मामले में कोई दूसरा नहीं है। कार्रवाई के अंतर्गत अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित परीक्षार्थियों को भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं से हमेशा के लिए डिबार भी कर दिया गया, ये प्रयोजन नहीं थे पहले। संक्षिप्त राजकीय कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। पेपर लीक सरगनाओं के अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं भवनों को ध्वस्त किया गया। परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने के लिए सरकार हर तरह से कृतसंकल्प होकर के कार्य कर रही है, और भविष्य में पेपर लीक की दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटित हो इसके लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने पेपर लीक गिरोह और उससे जुड़े अपराधियों को नवीन अधिनियम के तहत प्रयोग के बाद माध्यम से कठोर संदेश दिया है। पुराने एक्ट में सिर्फ एक एसओजे के द्वारा जो थानेदार होता था उसके द्वारा आप तफ्तीश करवाते थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो लाल वाले बटन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।